बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट जू के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन नगट्स बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या घर पे बनाकर दें तो ये हेल्थी भी है। जो बाहर से लेके देते हैं बच्चों को उनसे बहुत अच्छे हैं। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। चिकन नगट्स बनाने के लिए मैंने 3 किलो चिकन ब्रेस्ट लिया है, ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है ये वाला लिया। मैं थोड़े फ्रीज़ कर रही हूँ बनाकर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया। अगर आपने कम बनाना हो तो 1 केजी के भी बना सकते हैं। 3 किलो चिकन ब्रेस्ट है और जो मसाले इसमें जाएंगे ज़्यादा नहीं है, 3 टेबलस्पून विनेगर है, 6 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पाउडर, 1 टेबलस्पून पेपर का। अब कोई भी आप बड़ा बर्तन ले रहे हैं उसमें ये सारे मसाले हम डाल देंगे। विनेगर और चिली सॉस, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिकन डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने मसाला अच्छी तरह लगा लिया। अब कोई भी आप जिप लॉक बैग ले लें थोड़े बड़े साइज़ के, इसमें हम चिकन डाल देंगे। इतना डालना कि जो इस तरह स्प्रेड हो के इसमें पूरा पूरा आ जाए, ज़्यादा नहीं डालना। इस तरह हम इसको जिप लॉक कर देंगे। इसी तरह सारा चिकन जिप लॉक बैग में डाल लेंगे। अब देखें इस तरह मैंने 4 जिप लॉक बैग में डाली है। इतना आपने चिकन डालना कि इस तरह थोड़ा स्प्रेड हो जाए सारे बैग में इस तरह, और इसकी इसमें जो एयर है हवा है वो निकाल देनी है इस तरह खोल के थोड़ा। इस तरह स्प्रेड करके हमने इसको बराबर करना है सारे चिकन को। कोई भी बेलना ले ले या हैमर ले लें अगर आपके पास है तो, मेरे पास नहीं है, मैं बेलना इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हमने इस तरह प्रेस कर लेना है सारा चिकन ताकि लेवल हो जाए, सारा बराबर हो जाए। इस तरह आपने सारे बैगों को लेवल कर लेना है बेलने के साथ, और इस तरह कोई ट्रे ले लें उसमें इस तरह इन सारे बैगों को सीधा रख के फ्रीज़ कर देंगे। अब हम जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको निकाल के काटेंगे। अब ये देखें चिकन हमारा जम चुका है, इसको हम कैंची से काट लेंगे और इसको निकाल के इसके पीस काट लेंगे। इसके हम स्लाइस काट लेंगे। स्लाइस आपकी मर्ज़ी है, आप बड़े काटने हैं या छोटे। इस तरह हम इसके स्लाइस काट लेंगे।
इस तरह आपने सारे चिकन के स्लाइस काट लेने हैं। अब मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये घर पे ही ब्रेड के बनाए हैं, फ्रेश ब्रेड के, ब्लेंडर में डाल के आप बना लें। और इसमें 2 कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर और 2 कप ही मैदा। मेरे चिकन थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपका कम हो तो आप एक एक ले लें। और इसको हम दूध के साथ मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा रेड कलर डालेंगे या येलो डाल लें, थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए। अब दूध डाल के इसमें इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। दूध आपने इतना डालना है कि ये ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। इस तरह हमने दूध और मैदे और कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लेना अच्छी तरह। दूध मैंने तकरीबन इसमें 2 कप डाला है, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो देख लें, इस तरह का हमें चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल लेंगे। क्वार्टर टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ कलर, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब चिकन के पीस ले लेंगे इस तरह, इसमें मैदे में डिप करके और ब्रेड क्रम से इस तरह इसकी कोटिंग कर लेंगे अच्छी तरह। इसी तरह हमने सारे कर कर के रख लेने और फिर बाद में इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह सारे चिकन को हमने ब्रेड क्रम्स और मैदे की कोटिंग कर लेनी है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने इसको गर्म करना, हीट हमने मीडियम रखनी है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए। जब एक साइड से 4-5 मिनट हो जाए पकते हुए तो फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। आंच हमने चूल्हे की हल्की रखनी है ताकि अंदर से चिकन अच्छी तरह पक जाए। चिकन नगेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। कलर जब इनका गोल्डन हो जाए और अंदर से अच्छी तरह पक जाए तो फिर निकाल लें। चूल्हे की आंच हमने हल्की रखनी है, मीडियम टू लो रखनी है ताकि चिकन अंदर से कच्चा ना रहे। अब दूसरा जो चिकन हमने लगा के रखा उसको भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह हमने हल्की आंच पे फ्राई कर लेने हैं। अगर आप चाहें तो इनको हाफ कुक करके ठंडे करके फ्रीज़र बैग में डाल के रख लें और जब भी आपको ज़रूरत हो या बच्चों को देने हो तो फिर आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन नगर्स देखें हमारे तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बड़ों को और बच्चों को सबको पसंद आएगी। आप बनाकर इनको हाफ कुक करके फ्रीज़र में रख लें, जब भी ज़रूरत हो तो फिर निकाल के मेहमानों को या बच्चों को दे सकते हैं या ख़ुद भी खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।